मेरे प्यारे भाई और बहनों, अगर आपका मैथमेटिक्स बेहद ही कमज़ोर है तो आज के इस वीडियो के कॉन्सेप्ट की डिटेल को पूरा देखें ताकि आपको हर एक चीज़ बेहतर तरीके से समझ में आ जाए। तो आज का जो क्वेश्चन जो है वो राइट सर्कुलर कोन के बेस पे है और जो क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं वो आरडी शर्मा के टेक्स्ट बुक से है। तो क्वेश्चन ये है कि द रेडियस एंड स्लांट हाइट ऑफ ए कोन आर इन द रेशियो 4:7, यानी राइट सर्कुलर कोन में रेडियस और स्लांट हाइट का रेशियो दिया गया है। इफ इट्स कर्व सर्फेस एरिया इज 792 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कर्व सर्फेस एरिया का भी वैल्यू दे दिया गया है, तो आपको जो है रेडियस पता करना है। सबसे पहले आप क्या करें कि राइट सर्कुलर कोन का आप डायग्राम आप ऐसे बना लें। आप यहाँ ए इसका वर्टेक्स है, ओ बी जो आप देखेंगे ये ओ बी जो है इस सर्कुलर बेस का जो है रेडियस है, यहाँ ए ओ परपेंडिकुलर और ए बी जो होगा ये स्लांट हाइट का काम करेगा। तो अब यहाँ पे जो 792 है ये क्या है, ये कर्व सरफेस एरिया का वैल्यू है। तो आप क्या करें कि यहाँ पे सी एस सी एफ कोन का फार्मूला आप अप्लाई करें। तो सी एस सी एफ कोन इज इक्वल टू पाई इंटू आर इंटू एल आप यहाँ पे कर लें। अब यहाँ पे चूंकि जो सी एस सी एफ कोन का जो रिजल्ट जो दिया गया उसको आप यहाँ पर रख लें। अब चूंकि यहाँ पर रेडियस और स्लांट हाइट का जो रिजल्ट जो है वो रेशियो में के फॉर्मेट में है, तो आप ये मान लें कि रेडियस को 4x ले लें और स्लांट हाइट को 7x ले लें। यहाँ पे क्या करें कि पाई की वैल्यू 22/7 यहाँ पे रख लें, 4x इंटू 7x ऐसे कर लें, ये जो रिजल्ट इसको आप ऐसे ही उतार लें। आप इस 7 से इस 7 को कैंसिल कर दें तो यहाँ इधर रिजल्ट मिलेगा 22 × 4 और x चूँकि दो बार यहाँ पे है तो x का पावर 2 लिख दीजिए, 792 सेंटीमीटर स्क्वायर कर दीजिए। अगर यहाँ पे 22 और 4 को अगर आप हटाते हैं तो इधर लेफ्ट साइड में आकर के ये डिवाइडेशन में चले जाएंगे और इधर रह जाएगा एक्स स्क्वायर। तो 792 सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइडिंग बाई 22 × 4। अब यहाँ पे क्या करें कि अगर हम इसको 11 से डिवाइड करें तो 11 × 2 = 22 हो जाएगा, 11 × 7 = 77 और 11 × 2 = 22। तो ऊपर रिजल्ट है 72 सेंटीमीटर स्क्वायर, नीचे हो गया 8 और ये बराबर है एक्स स्क्वायर के। तो यहाँ पे 72 को 8 से डिवाइड करेंगे तो 9 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर होगा, क्योंकि 72 8 से डिवाइड हो जाएगा। अब यहाँ पे इसको ले सकते हैं x का होल स्क्वायर, तो 9 सेंटीमीटर स्क्वायर को ले सकते हैं 3 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर। अब इकाई टू एक्सपोनेंट की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग आप देखते हैं कि दोनों के पावर सेम है, बीच में इक्वल का साइन है, तो बेस बेस के बराबर होगा। तो यहाँ पे x की वैल्यू जो होगी वो 3 सेंटीमीटर के बराबर होगी। तो क्वेश्चन में आपसे रेडियस पूछा गया था, तो यहाँ पर देखो रेडियस क्या है, जो रेडियस जो था यही तो ओ बी था। तो ये जो ओ बी जो है ये ओ बी किसके बराबर था, क्योंकि आपने रेडियस की जगह पे आपने 4x यहाँ पे लिखा हुआ है, तो आप क्या करें कि यहाँ पे 4x लिख लें और जो x की जो वैल्यू आई है, अब x की वैल्यू आई है 3 सेंटीमीटर ये रिज़ल्ट, तो आप यहाँ पे रख लें 4 × 3 सेंटीमीटर कर लें, तो ये हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। अगर मान लीजिए स्लांट हाइट को अगर आपको निकालना है तो यहाँ पर ए बी जो है ये स्लांट हाइट है, क्लियर। तो स्लांट हाइट की जो वैल्यू जो है यहाँ पे देखो आपने 7x लिखा हुआ था आपने, तो यहाँ पे 7x कर देना और जो x की वैल्यू जो आई है 3 सेंटीमीटर उसको आप रख देंगे तो यहाँ पे 21 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इस तरीके से मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 10 मैंने समझा दिया है। एक क्वेश्चन और है उसे भी आप देखें। अगर आप इसकी पिछली वीडियोज़ को नहीं देख पाए हैं तो ऊपर आई बटन के माध्यम से इसकी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उसे आप जरूर देखेंगे। अब यहाँ देखो दिया क्या है कि अ जोकर्स कैप इज इन द फॉर्म ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन, यानी एक जोकर का जो कैप है वो कोन के फॉर्मेट में है, उसका बेस का रेडियस 7 सेंटीमीटर दिया गया है एंड हाई 24 सेंटीमीटर है, फाइंड एरिया ऑफ द सीट रिक्वायर्ड टू मेक 10 सच कैप्स। तो वैसे ही अगर आपको 10 कैप्स अगर बनवाने होंगे, क्लियर, तो उसके लिए जो एरिया ऑफ द सीट जो रिक्वायर्ड जो होगा वो क्या होगा इसी को आपको पता करना है। तो पहले आप क्या करें, कोन का स्ट्रक्चर आप बना लें। समटाइम्स डायग्राम बनाना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि डायग्राम के माध्यम से कुछ क्वेश्चन के सोल्यूशन आसानी से निकल जाते हैं। अब जैसे मान लो कि यहाँ पे हमने ये डायग्राम हमने बना लिया,
अब हमको देखना होगा कि इसमें इन्फॉर्मेशन क्या क्या है। अब यहाँ देखो हाई 24 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे जो AO है ना, यही AO जो है हाइट है ये, और इस हाइट की वैल्यू है 24 सेंटीमीटर। बेस का रेडियस देखो 7 सेंटीमीटर दिया गया, तो यहाँ पे OR जो है ये बेस का रेडियस है जो कि 7 सेंटीमीटर दिया गया है। तो मान लो अगर हमको इसका एरिया निकालना है, तो एरिया का मतलब हमको CSA से मतलब है, CSA आप कौन से, तो CSA आप कौन डिपेंड करेगा पाई आर एल पे, क्लियर। अब यहाँ पे एक चीज़ देख लो कि जो AR जो है, जो स्लांट हाइट है, यही चुलम एल है, तो इस एल की वैल्यू आपको पता नहीं, पहले आपको ये कैलकुलेट करना होगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, एल निकालने के लिए अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर करेंगे। अब एच की वैल्यू यहाँ पे 24 सेंटीमीटर दी गई है, तो 24 फिलहाल 24 ही लेते हैं और इसका स्क्वायर कर देते हैं। रेडियस आर की वैल्यू 7 है, 7 का स्क्वायर कर दें, और यहाँ पे बाहर हम लोग सेंटीमीटर लगा देंगे, क्योंकि स्लंट हाइट का जो यूनिट होगा वो सेंटीमीटर स्क्वायर में तो होगा नहीं, तो सेंटीमीटर में होगा, इसलिए मैं सेंटीमीटर इस स्क्वायर रूट के बाहर रखा है। अब यहाँ पे आपको 24 का स्क्वायर करना होगा जो कि 576 आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पे 7 का स्क्वायर कर लें तो ये हो जाएगा 49। इसको सिंप्लीफाई करें तो 6 9 15 7 4 11 9 12 एंड ये 6, इतना आया। अब ये जो नंबर 625 जो है, आपको पता करना होगा कि किस नंबर का स्क्वायर करने पे 625 मिलेगा, तो वो 25 होता है। आपको कुछ नंबरों के स्क्वायर रूट आपको पता होना चाहिए, अगर आपको नहीं पता है कि कैसे निकला है तो देखिए मैं समझा दे रहा हूँ। मैं 625 आप इसको दो तरीके से निकाल सकते हैं, या तो प्राइम फैक्टराइजेशन करके, या तो आप डिवीजन मैट्रिक्स से करके निकाल सकते हैं। तो मैं आपको प्राइम फैक्टराइजेशन के से ही मैं बता दे रहा हूँ, मैं इजी वे में। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले क्या करना कि आपको यहाँ देखना होगा कि किससे डिवाइड होगा। तो यहाँ पे आप क्या करें, 5 से कर लें, चूँकि इसका 1+5 है, तो 5 1 5 5 2 10 5 5 25 5 से करोगे तो 5 2 10 5 5 25 फिर से कर लो। तो इस तरीके से आपको ये हो गया, मिल गया। तो क्या करना कि जो आपको ये नंबर जो दिया गया था स्क्वायर रूट के अंदर, इसको ऐसे लिख लेना, और यहाँ पे क्या करेंगे, चूँकि 625 जो है 5 का 4 मल्टीप्लाई करने पा रहा है, तो आप 5 को 4 बार यहाँ पे लिख लें आप। अब यहाँ पे देखो कि जिसका पेयर बनेगा वो नंबर स्क्वायर रूट के बाहर निकल जाएगा, क्योंकि 5 का पेयर बना तो 5 बाहर निकल जाएगा, यहाँ भी 5 का पेयर बना तो 5 बाहर निकल जाएगा। तो इसको आप ऐसे कर लेंगे तो ये रिजल्ट आपको 25 सेंटीमीटर मिल जाएगा। तो मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन के मेथड से मैंने आपको बता दिया कि इसका स्क्वायर रूट कैसे निकलेगा। अब हम लोग बात करते हैं, क्योंकि हम लोग स्लांट हाइट तो निकाल चुके हैं, क्लियर। तो अब हम लोग CSA आप कौन निकालने हैं, तो अब निकालने के लिए क्या करेंगे, पाई की वैल्यू 2/7 रख दो, रेडियस की वैल्यू 7 सेंटीमीटर दी गई है इसको रख लीजिए, स्लांट हाइट अभी आपने निकाला है 25 सेंटीमीटर, इसको आप यहाँ पर रख लो आप। अब यहाँ पे इस 7 से इस 7 को कैंसिल कर लो, तो रिजल्ट 22 × 25 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, 25 2 50 और 50 और 5 को जोड़ोगे तो 55 हो जाएगा, तो 550 सेंटीमीटर स्क्वायर हुआ। तो ये जो एरिया जो होगा ये एक्चुअली में ये 1 कैप का एरिया है, तो यहाँ पे रिक्वायर्ड एरिया फॉर 10 कैप्स इज इक्वल टू, ये निकालने के लिए क्या करेंगे कि एरिया टेकन बाय 1 कैप मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ कैप्स कर देंगे आप। तो एक कैप का एरिया जो लग रहा है वो है 550 सेंटीमीटर स्क्वायर, और आपके पास कुल मिला के 10 कैप्स हैं, तो मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये हो जाएगा 5500 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करके ज़रूर बताइएगा, और भी यूजफुल वीडियोज़ को देखने के लिए इस वीडियो के एंड में तमाम तरह की वीडियोज़ लगी है उसे ज़रूर देखें, उसका फ़ायदा उठाएं। तब तक के लिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।